जैसे मुझे ये होता है कि मैं किसी के घर वैसे मतलब जैसे किसी की शादी भी गई हूँ, अब मुझे कोई आके पूछे अच्छा वो हक महर निकाह पे तुम गई थी, हक महर कितना था, मैं कहती हूँ मेरे मेरी ये ब्रॉड ब्रश अप्रोच होती है, मैं कहती हूँ पता नहीं, बिकॉज मुझे इन चीज़ों पर अब क्यूरियोसिटी नहीं है, पहले बहुत होती थी, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद मैंने सोचा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ नॉट नन ऑफ माई बिजनेस कि मैं इतनी बारीकी में जा जा के उनसे पूछने की कोशिश करूँ कि जी ये क्या है और वो क्या है। अच्छा, या फिर कोई पूछता है कि उसकी नंदें कितनी थी, उसकी भाभियाँ कितनी थी, मैं कितनी पता नहीं, मतलब कभी अगर बहुत क्लोज हो तो मैं कहती हूँ हाँ जी वो बड़ी फैमिली थी ऐसी थी, लेकिन किसी ने मुझे वैसे ही बुलाया तो मैं क्यों जाके पूछूं कि लड़का कहाँ से ढूंढा, लड़की कहाँ से ढूंढी, शादी के ड्रेस कहाँ से बनाया। क्लोज होंगे तो उनसे मैं थोड़ी सी क्यूरियस होकर पूछ लूंगी, लेकिन अब आप देखिए कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में दोनों का अगेन फ़र्क होगा, तो कई दफ़ा जैसे लड़कियों को लगता है कि मेरे हस्बैंड जो शायद शक करते हैं इसलिए बहुत पूछते हैं, लेकिन हो सकता है वो नेचुरली क्यूरियस हो, या कई हस्बैंड्स को लगता है कि जी बीवी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अगेन शी माइट बी नेचुरली क्यूरियस। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर हस्बैंड वाइफ को लगता है कि जी मेरा तो स्पाउस इंटरेस्ट ही नहीं लेता मुझ में, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसका हो सकता है ब्रॉड ब्रश अप्रोच हो, उसको ये चीज़ें इतनी मैटर ना करती हो, रिलेशनशिप बहुत मैटर करता हो लेकिन ये चीज़ें मैटर ना करती हो। अब इन बातों को भी तो समझने की ज़रूरत है ना कि इनको समझा जाए कि इस रिलेशनशिप में इसे कैसे बेहतर किया जाए। फिर एक और चीज़ होती है वाइटेलिटी एंड सिक्योरिटी। अब इसमें भी मर्दों और औरतों का फ़र्क होता है जिसको आपने समझना है। मर्द जो होते हैं ना, इसके बारे में बहुत रिसर्च की गई है और ये देखा गया है कि मर्दों को वो ख़वातीन अच्छी लगती हैं जो बहुत हेल्दी और वाइटल नज़र आएँ, यानी एक्टिव नज़र आएँ, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जब कोई खातून जो होती है बहुत एक्टिव होती है, बहुत फुल ऑफ एनर्जी होती है, उसकी तरफ उनका रुझान होता है। जबकि खवातीन जो होती हैं वो बेसिकली क्या ढूंढ रही होती हैं, दे वॉन्ट अ मैन हु कैन ऑफर सिक्योरिटी, उनके साथ घर में वो सेफ फील करें और इमोशनली नेकेड हो सकें, उसके सामने कोई भी अपने जज्बात का इजहार कर सकें, उनको तसल्ली दे, वैलिडेशन दे। यहाँ तक सरप्राइजिंगली मैं एक जगह पढ़ी थी जो कि ये कोई मुस्लिम कंटेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ख्वातीन को ज़्यादातर ट्रेडिशनल रोल वाले हस्बैंड पसंद हैं कि वो उनको बहुत वैल्यू भी दे रहे हैं, उनका ख्याल भी कर रहे हैं और बहुत से मामलात को वो ठीक भी करना चाह रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना एक ट्रेडिशनल रोल है कि उनको सिक्योरिटी चाहिए ख्वातीन को, लेकिन मर्द हजरात को जो चाहिए, इसीलिए आप देखें ना हमारे दीन में ये कहा गया है कि एक औरत जो है वो अपने शौहर के लिए तैयार हो। जब सहाबा किराम किसी भी एक्सपेडिशन से वापस आते थे तो शहर के बाहर रुक जाते थे और पैगाम भेजते थे ताकि जो उनकी बीवियाँ होती थी वो अपने आप को तैयार करें उनके लिए और अपने आप को लाइक यू नो एक एक्टिव रोल में लेकर आएँ कि दे हैव टू रिसीव देयर हस्बैंड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है जिसको समझने की ज़रूरत है, और इससे भी हम देखते हैं कि रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एक तो ये है कि हमें ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती, यानी इतने सारे फैक्टर्स पे हमने बात की है आज, बल्कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक जगह डिनर से आ रही हूँ तो वहाँ पर भी ये बात हो रही थी कि अच्छा आप कौन सी क्लास ले रही हैं, और मैं थोड़ा सा जिक्र कर रही थी तो वो लेडीज़ यही कह रही थी कि कैसे पता चलेगा आप जो बता रही हैं कि जी इतने सारे क्राइटेरियन हैं और उनके बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने कहा देखें हम जब कॉन्शियस होंगे ना इनके बारे में तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आएगा, और उस पर मैंने ये कहा कि जो लड़का लड़की होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे होते, और जो पेरेंट्स होते हैं वो डेस्परेट होते हैं कि जी बच्चों की शादी हो जाए, और लड़का लड़की इसलिए नहीं सोचते कि वही दे ब्लाइंडेड बाय लव। तो उस पर एक खातून थी तो उनकी कुछ अर्सा पहले बेटे की शादी हुई थी, फिर डिवोर्स हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसकी शादी हो गई, लेकिन दे हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। और वो कहती हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम ही मिलने गए थे उस फैमिली को तो इवन कहती है हमारे ड्राइवर ने हमें जब हम गाड़ी में बैठे उनको मिलके तो उसने कहा कि आप लोग यहाँ रिश्ता ना करें, ये आपके टाइप के लोग नहीं हैं। वो मुलाजिम भी आपस में बैठ के बातचीत करते हैं ना, लेकिन कहती है कि हमारा बेटा जो था ही वॉज हुक टू दिस आइडिया कि मैंने यहीं शादी करनी है। कहती बड़ा उसे समझाया वो नहीं माना, और कहती इवन जब मंगनी हो गई और शादी से भी कुछ अर्सा पहले तक इतने उनके कॉन्फ्लिक्ट हर वक्त चलते थे, बट ही कुडंट सी थ्रू और हम हेल्पलेस थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है कि यू शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय लव। जो इंसान एक मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका होता है उसकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, आप मोहब्बत की वजह से या एक आपने दिमाग में इमेज बिठा ली है और उस पर आप चलना शुरू हो गए हैं ना, या माँ बाप हैं और वो बस डेस्परेट हो गए शादी हो जाए, निभा लेगी, देख लेगी, देखा जाएगा। तो जो रिलेशनशिप होता है ना उसमें कोई रैशनल नहीं रहता, कोई लॉजिक नहीं रहता, फिर आपको वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती।
देर इज नो सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपको कोई अगर दिखा भी रहा हो बता भी रहा हो वो आपको बातें नहीं समझ आती। और अक्सर औकात जब कोई बात है, वालदैन परेशान हो कि जल्दी शादी हो जाए, और जो बच्चे हों उनको भी हो कि जी बस हो जाए शादी मेरी फ्रेंड की हो रही, या कोई पसंद हो तो बहुत जल्दी डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, जल्दी 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 जल्दी, एक्सप्लोर नहीं किया जाता उनको। और आप क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में घिरने के बाद आप बहुत जो ऑब्वियस बैड बिहेवियर भी है ना, उसके लिए भी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तलाश कर लेते हैं। मतलब किसी को गुस्सा आ रहा है तो कह देते हैं कि आजकल तो सबको गुस्सा आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के मूड्स का चैलेंज है। उसकी स्लीप को चेक करें कहाँ, अगर सब देर से सोते हैं तो जाहिर है उनके उनके फिर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, और फिर आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। जब हमने एक किस्म का फैसला कर लिया होता है ना कि जी बस मैंने इससे शादी करनी है, तो हम बहुत से ऑब्वियस बैड बिहेवियर्स को भी एक्सक्यूज़ करते जाते हैं कि नहीं ये इस वजह से है, ये इस वजह से, इस वजह से है। और वो बातें जो होती हैं वो शादी के बाद बहुत बड़े बड़े क्लैश बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर लड़का लड़की दोनों के लिए उस रिश्ते को निभाना जो है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाता है। ये भी मसला होता है कि व्हेन यू ब्लाइंडेड बाय लव, तो आपको लगता है कि जी अगर मैं दूसरे को खुश रखूँगा ये मेरी प्रायोरिटी होगी तो ये रिश्ता अच्छा निभेगा। हालांकि होता ये है कि अगर आपने एक बैलेंस के साथ उस रिलेशनशिप को नहीं रखा होता तो आपका रिश्ता फिर भी अच्छा नहीं निपटता। और आप देखें अक्सर औकात जब डिवोर्स होती है या हालात ख़राब होते हैं तो फिर हम ब्लेम पे आते हैं, और अक्सर औकात हम फिर ऐसी बातें कह रहे होते हैं कि मैंने फलां 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 शख्स की इतनी कुर्बानी की। उस शख्स ने तो कुर्बानी नहीं मांगी, आपने खुद ही बैलेंस नहीं सीखा, आपने खुद ही वो काम सही नहीं किया, और आपने फिर दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया जबकि दूसरे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। आपको तो बात तो ये कि आपको दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी समझ के फिर उसके मुताबिक उस रिलेशनशिप में रहना है ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि अपना दिल मार मार के रहें और फिर आप उसके बाद आपने स्किल बेस्ड लाइफ नहीं गुजारी, आपने कोई सही तरीके नहीं सीखे, आपने रेड फ्लैग्स नहीं पिक किए, लेकिन अब आप दूसरे को ब्लेम करें। एक और भी बहुत बड़ा मसला ये होता है कि लोग कई आइडियलाइज भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। मसलन किसी शख्स को भी सोचा और देखा और आपने सोचा कि भाई बस क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मुझे मिल गया तो बस मेरी किस्मत अच्छी है और मुझे इसी से शादी करनी चाहिए और ऐसा यही इंसान होना चाहिए। अब अगर उसके कोई फ्लॉज भी आपको दिखा रहा है, कितनी दफ़ा होता है कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का लड़का है और वो ड्रग्स भी ले रहा है या रिलेशनशिप भी और हैं, और वो लड़की को उससे मोहब्बत होगी और उसको समझा रहे हैं बता रहे हैं कि वो ऐसा है, वो कितनी नहीं वो ठीक हो जाएगा, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो तो फलां शख्स की वजह से है, उसमें एक्सक्यूजेस भी आ जाते हैं। और वो जो आपने एक आइडियल इमेज अपने दिमाग में बिठाई होती है उसकी वजह से आप दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ये लड़कों के साथ भी होता है, ये लड़कियों के साथ भी होता है, और उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा ख़राबी आनी शुरू हो जाती है। मुझे कुछ साल पहले की बात याद आ गई कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ काम कर रहे थे, तो मेरे साथ एक और मेरी कुलीग थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक लड़का था उसी प्रोजेक्ट में काम करने वाली एक लड़की को पसंद कर रहा था, और उसको ये लग रहा था कि जी वो जो भी काम कर रही है वो इसको पसंद करती है। हालांकि हमें बहुत क्लैरिटी से पता था कि वो उस लड़के से एक्सट्रीमली इरिटेट होती थी। अब हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि हम इस लड़के को कैसे समझाएं कि बेटा तुम अपने आप को संभाल लो क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद कर रही, लेकिन वही ब्लाइंडेड बाय लव वो उसको आइडियलाइज कर रहे हैं। और हाँ, अल्टीमेटली जब फिर उसने उससे बात की तो उसने बल्कि फिर मेरी कुलीग से ये कहा कि उस लड़की ने मुझे लीड किया और मुझे धोखा दिया। हालांकि हमें शुरू से पता था कि वो लड़की बिल्कुल भी लीड नहीं कर रही थी, ये इस लड़के की अपनी परसेप्शन थी और इसने अपने दिमाग में वो इमेज बिठाई हुई थी। फिर वो बेचारे का बड़ा दिल टूटा और फिर बड़ा परेशान हुआ और फिर वहाँ से निकला। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि रेड फ्लैग्स जो हैं उनको बहुत जल्दी डिसमिस कर दिया जाता है कि जी कोई बात है, कोई बात नहीं, गुस्सा आता है तो क्या हुआ, अच्छा आप इस बेचारे का क्या कसूर है, अगर इसका बाप नहीं या माँ नहीं, अगर ये बहुत बड़ी फैमिली है तो फिर देखे ना, वैसे तो होता ही है। यानी वो बहुत सारे रेड फ्लैग्स जो होते हैं हम उनको छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते उन रेड फ्लैग्स के साथ कि अगर ये जब हमारे बच्चे की शादी होगी और उसकी लाइफ में ये होंगे तो फिर क्या होगा, या मेरी शादी हुई और मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई तो फिर मैं इससे कैसे कोप करूँगा। अगर तो मेरे पास एक प्लान है, कई दफ़ा अगर कोई यंगस्टर मुझे आके कहते हैं कि नहीं मैंने इधर ही शादी करनी है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, डू यू हैव अ बैकअप प्लान, कि जो आप सोच रहे हैं एक आइडियल पिक्चर वो ना हो। ये मैं मतलब हर चीज़ के लिए कहती हूँ कि जी आइडियल जो आप चाह रहे हैं वो हो जाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने अपने माइंड में बड़ी आइडियल पिक्चर बनाई हुई है बट इट डजंट हैपन दैट वे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास क्या सोल्यूशन होगा उसका,
फिर जाहिर है आप घबराएंगे, आप फंसेंगे, आपके लिए मसाइल होंगे। तो जो टेरिबल कैरेक्टर फ्लॉज हैं उनको कभी एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके मामले में बहुत केयरफुल होना चाहिए। मैंने आपको जैसे बताया था ना कि मुझसे किसी बच्ची ने शेयर किया था और काफ़ी उसने परेशानी में शेयर किया था कि जी आजकल जो बहुत सी मूवीज़ हैं, बहुत से ड्रामे हैं, उनमें एक जो मतलब कोई लड़का कोई हीरो ही है जो कि बहुत लोगों को पसंद है, कोई पब्लिक फिगर है, और वो एक नेगेटिव रोल में आया हुआ है, तो लड़कियां उस पर भी मर रही हैं। तो जाहिर है फिर उनके सबकॉन्शियस में एक इमेज बनती जा रही है कि जी अगर कोई कैरेक्टर फ्लॉ के साथ इंसान है तो नॉट अ वेरी बैड आइडिया कि उससे भी शादी कर ली जाए, वो आप पे इमेज बनता है ना। इसीलिए तो फिर ये देखें लड़के हमारे बहुत गैंगस्टर बनते जा रहे हैं, या लड़कियां जो है वो एक्सट्रीमली ग्लैमर की तरफ जा रही हैं, ग्लैमरस आउटपुट के साथ वो निकलती हैं, क्योंकि जो जितना वो कैरेक्टर फ्लॉ है वो आपको नज़र नहीं आता। मुझे याद है कि इसी तरह मैं एक फैमिली को जानती हूँ, तो उसमें वो जो लड़का था उसने एक लड़की को पसंद किया, और वो लड़के की जो फैमिली थी वो बहुत रिलीजियस थी, लेकिन लड़की जो थी वो रिलीजियस इतनी नहीं थी, बहुत वो लिबरल तरीके से ड्रेसअप होती थी। अब फैमिली ने उस लड़के को बहुत समझाया, उसने कहा नहीं बस मुझे ये पसंद है, मैंने इससे करनी है। शादी के 5वें दिन सारी फैमिली कहीं जा रही थी और वो लड़की उसी तरह से ऑफ स्लीव्स और इस तरह का ड्रेस पहन के आ गई, तो उस लड़के ने जो था वो बहुत ज़्यादा उसको कहा कि तुमने क्या पहना हुआ है, लुक एट माई फैमिली एंड लुक वट यू आर वेयरिंग। उस लड़की ने आगे से जवाब दे दिया, उसने कहा कि तुम मुझे पहले से जानते हो, मैं तो ऐसी ही थी, तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस तरह से ड्रेसअप हूँ। तो बात ये होती है ना कि जब आप ब्लाइंडेड हैं आप यही नहीं सोच रहे होते कि कोई मैच भी है कि नहीं है ना। तो इस्लाम जो है हमें राइट मैच देने पे बहुत ज़्यादा वो फोकस करवाता है, कुफ पे फोकस करवाता है, हमें वो क्राइटेरियन दिए गए हैं इसीलिए कि मुश्किलात से बचाया जाए। ये हमने दिमाग में सोचा होता है कि बस जी वैसे ही कर लेते हैं देखा जाएगा, ऐसी नहीं बात है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कहाँ पर हम उस फाइन लाइन को ड्रॉ करें। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी भी किसी गैदरिंग में थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि देखिए जितना मर्जी चेक कर लें, जो किस्मत में होता है वही होके रहता है। और अक्सर लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करना, जो करना है अल्लाह ने करना है, और हमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, बस सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। तो आपके सामने ये हदीस है कि एक शख्स आया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, शुड आई टाई माई कैमल एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, और शुड आई लीव हर अनटाइड एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, कि मैं अपने ऊँट को बांधूँ और फिर अल्लाह पे भरोसा करूँ, या उसको खुला ही छोड़ दूँ अल्लाह पे भरोसा करूँ, मेरी किस्मत में होगा तो ऊँट कहीं नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रहेगा मेरे लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था, एकलाहा व तवक्कल, पहले अपने ऊंट को बांधो, टाई हर एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह, ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह पे भरोसा करो। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमें तमाम असबाब जो जायज़ हलाल असबाब हैं उनको 100%, मैं तो कहती हूँ 200% इख्तियार करना चाहिए, असबाब को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे दीन में अल्लाह सुबहान तआला ने असबाब को रखा है, ठीक है, असबाब को इख्तियार करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब अल्लाह पे भरोसा करना है। यानी आप देखें ना, आपको नजर आ रहा है किसी का गुस्से का प्रॉब्लम है, आपको नजर आ रहा है किसी का कैरेक्टर फ्लॉ है, अब आप कहते हैं मेरी किस्मत में है तो यही है तो ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इसका दिल बदल देगा और ये ठीक हो जाएगा, नहीं, आप गलत असबाब की तरफ जा रहे हैं। आपको सही असबाब इख्तियार करने होंगे, आपको उन तमाम बातों को जिस पे कहा गया है कि ये जायज़ है ये नाजायज़ है उनको अपनी ज़िंदगी में सही तरह से रखना होगा। आम मिसाल जैसे होती है कि मुझे कोई कहता है कि जी मैं कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करना चाहता हूँ, अब उसको असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे कि नहीं, उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, उतना स्कोर करना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अब कई बच्चे सब कुछ कर लेते हैं फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता। हाँ, यहाँ पर अब हम कहते हैं मैंने तमाम असबाब को बहुत बेहतरीन तौर पे इख्तियार किया, मैंने वो क्राइटेरिया भी मैच किया, या तो ये कि इतना पढ़ने के बावजूद मेरे नंबर नहीं आए, दैट मीन्स अब मुझे अल्लाह पे भरोसा करना है, मेरी किस्मत में था नहीं था, दैट इज़ वाई डिड नॉट हैपन, ठीक है ना। या ये कि जी मैंने तमाम असबाब इख्तियार कर लिए, मेरा एडमिशन भी हो गया, बट फॉर सम रीज़न आई डिड नॉट गो टू दैट इंस्टीट्यूशन, मेरी फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं, मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें मुझे उन्होंने फेल कर दिया। तो ये सोचना कि अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए हैं और किस्मत में वही जोड़े हैं तो वही होना है, हाँ बिल्कुल अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए हैं, हमारी किस्मत में है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फिर क्यों कहा इस्तखारा किया जाए, हमें क्यों कहा है कि मशवरा किया जाए, हमें क्यों कहा है कि छानबीन की जाए। इसीलिए कहा है
कि अगर हमें कोई इंडिकेशन नज़र आता है तो हम उसके बारे में गौर व फिक्र करें। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने वो असबाब हमारे उसरा ना रखे और हम खुद अपने आप को लीड करें। और दूसरा ये कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने तमाम असबाब को इख्तियार किया और अब आप उस शादीशुदा ज़िंदगी में फिर भी आ गए हैं। कई दफ़ा होता है ना, आपका कज़न है, आपके जानने वाले हैं, हो गई शादी, अब आपने ये सोचना है कि हाँ, बिकॉज हमने तमाम असबाब को इख्तियार करके मैक्सिमम अच्छे तरीके से इस रिश्ते को देखा था, इसके बारे में गौर व फिक्र की थी। अब अगर कोई चैलेंज आ रहा है, इसका क्या मतलब है? दिस इज़ द बेस्ट प्लान फ्रॉम अल्लाह सुबहान तआला। अल्लाह ताला मुझे इसी में से कोई बेहतरीन रास्ता देना चाह रहे हैं और वो जो बेहतरीन रास्ता है उसी से मेरी तरबियत होगी, उसी से मेरे लिए कोई भलाई होगी दुनिया और आखिरत की, फिर मुझे उसको इख्तियार करना है। फिर आपको रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए ना। लेकिन अब किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने पूछा ही नहीं। लोग मेरे पास आके कई दफ़ा बड़े फ़ख्र से ना, कुछ लोग कहते हैं, बच्चियाँ कह देती हैं कि मैं तो माशाल्लाह देखा ही नहीं, मेरा जो रिश्ता हुआ मैं मिली भी नहीं। मैं कहती हूँ, देखिए अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है कि आप मुलाकात एक करें, आपने क्यों नहीं किया? मैंने अल्लाह पे भरोसा किया। जब हमें इजाज़त दी गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया, देखो, सहाबी को कहा था देखो, और उसमें देखने में भी क्या बताया था कि उनकी आंखों में कोई फर्क होता है, देख लो मतलब, और देखो तो फील करो कि डू यू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन। इफ़ यू डोंट फील अट्रैक्टेड तो आप सोच लेंगे। यानी हमें तो क्लैरिटी से ये बातें सारी बताई गई हैं, असबाब को इख्तियार करना और फिर अल्लाह पे भरोसा करना, तवक्कुल करना, इनके लिंक को समझना है हमने। जब हमें लिंक सही समझ आएगा ना, तो फिर हम बहुत सारे कामों को सही तरह से कर सकेंगे। आपसे सवाल करना था कि आपने कहा कि मतलब हमें पहले देख लेना चाहिए, असबाब इख्तियार कर लेने चाहिए, तो हम इस इन सब प्रोसेस को करने के लिए कितना टाइम लें? कोई रिश्ता आए तो उसको छानबीन, इस्तखारा में और उसको मुलाकातें करने में, मतलब हम ये पूरा वक्त कितना लें? कोई टाइम हो, कोई लिमिटेड टाइम हो? देखिए, इसमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे दीन ने तो ये नहीं बताया ना कि कितना टाइम लगे। तो अब आपके ऊपर है, आपकी फैमिली के ऊपर है, आपकी कितनी मुलाकातें हुई हुई हैं, आपको इंडिकेशंस कैसे मिल रहे हैं, आप कितना जानते हैं। कभी कभी आप जानने वाली फैमिली होती है और आप जब आपको दिमाग में आता है, आप सोचते हैं तो विद इन मंथ्स भी हो जाता है। और कभी कभी ये कि आप 6 महीने, 8 महीने, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। मसलन जैसे लड़का कहीं बाहर के मुल्क में है, किसी आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ फैमिली, आप कहते हैं कि चलें लेट्स मीट फ्यू टाइम्स, और मुलाकात करने में भी आप फ़ौरन फ़ौरन नहीं मिलते, आप कोई महीने का 2 महीने का गैप डालते हैं। तो ये हर फैमिली का डिफरेंट होता है। कोई एक फैमिली जो है ना, वो एक तरीके से नहीं ये काम करती, और इसके लिए कोई हमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया। लेकिन तसल्ली, मेन फैक्टर जो मैंने आपको लंबी देखे ना, पिछले हफ्ते भी चेकलिस्ट दी थी और इस दफ़ा भी अभी आपको चेकलिस्ट दे रही हूँ, तो जो मेन चेकलिस्ट है ना, उसको ज़रूर अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी इस वक्त ऐसी है कि जब लड़के की कोई छानबीन करना चाहता है तो लड़के वाले माइंड भी करना शुरू हो जाते हैं। तो जब मुझे कोई आके बताता है, बहुत डर डर के कहता है कि जी हम उस लड़के को चेक तो करना चाह रहे हैं, अगर उनकी फैमिली ने माइंड कर लिया फिर, तो मैं कहती हूँ फिर तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा ना। मसलन आपने उसके ऑफिस में पूछा और उन्होंने शिकवा किया कि जी कमाल है, आप हमारे बच्चे का ऑफिस में चेक कर रहे हैं, या उन्होंने कोई आपको ऐसी बात बताई, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको ये करना है कि आपको समझ आना है कि अगर वो रिश्ता होने से पहले माइंड कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि शादी के बाद वो क्या करेंगे। शादी के बाद माइंड नहीं करेंगे, शादी के बाद तो वो बात बात पे माइंड करेंगे। अच्छा, अगर कोई आपको, जैसे पिछले दफ़ा सवाल था कि वो जहेज मांग रहा है, तो देखिए वो तो सारी ज़िंदगी मांगेंगे, उनको तो मांगने की आदत है। जो आदत आपको पहले से इंडिकेशन मिल रहा है, तो वो तो बाद में कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो आपको पहले से फिर मोहतात उस पर होना पड़ेगा। अच्छा, वो ऑलरेडी मैरिड है, उनके 2 बच्चे भी हैं, और 2 बच्चे उनकी जो वाइफ है वो लेके चली गई है, सेपरेशन हो गई है, और रिश्ता हमें बहुत पसंद आ रहा है, इस्तखारा भी, वो तब उस रिश्ते को कंसिडर करते हुए पूरा साल हो गया है, तो उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बात ऐसी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, मतलब वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी वो मेरी तरफ से हुई थी, तो मतलब अब जैसे मेरा जो रिएक्शन गया, फिर वहाँ से जो रिएक्शन आया उससे बात ख़राब हो गई इस तरह से, तो मुझे ये ऐसा फील होता है, मतलब हम लोग इस पर क्या सोचें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसको फिर कंसिडर करें भी या नहीं करें, इस्तेहारा भी कर रहे हैं। देखिए, फिर आप ब्लाइंडेड जा रहे हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने क्लियर भी किया उनका दिल साफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब साफ है कि, और बात आगे भी नहीं चल रही तो छोड़ दें।
और उसका छोड़ने का ये तरीका है कि फर्ज करें उधर से ना हाँ में जवाब आ रहा है ना ना में जवाब आ रहा है, टाइम ज्यादा गुजर चुका है, तो आप और रिश्तों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। अगर उनकी तरफ से कोई इंडिकेशन आया तो देखा जाएगा, और अगर नहीं आया तो आपको समझ आ जानी चाहिए खुद से। मैं बार बार आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आजकल की पेरेंट्स को भी देने की ज़रूरत है और यंग जनरेशन को भी देने की ज़रूरत है, ताकि जो मैरिज के सही इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें समझ आने शुरू हों, और जो मिसकंसेप्शंस हम लेकर शादीशुदा ज़िंदगी को शुरू करते हैं और फिर बड़े बड़े डिज़ास्टर्स पे बैठे रहते हैं, हम अपने आप को उससे बचा सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।